नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर वन इंग्लिश का संभावित उत्तर लेकर हम आए हैं। साथियों, आपने इस कहानी को पढ़ा होगा कि एक बच्ची जो है हमेशा समस्याओं से घिरी रहती है। वो अपने माताजी के पास जाती है, अपना समस्या बताती है, तो उनके माताजी जो है बहुत समझदार होती है और उन्हें समझाती है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यदि हम गाजर जो कि कठोर होता है उसे पानी में उबालते हैं तो वह नरम हो जाता है। अंडे जो भंगुर होते हैं हाथ से छूटते ही टूट जाते हैं, यदि हम उसको गर्म करते हैं तो वो कठोर हो जाता है। उसी प्रकार कॉफ़ी को हम गर्म करते हैं तो वो पानी में मिल करके सुगंध देता है। तो उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में समस्या को समझे और समस्या को काफ़ी की तरह, है ना, जो कि घुल जाता है और सुगंध देता है, उसी तरह हमें अपना जिंदगी व्यतीत करना है। इसमें मोरल बताया गया है कहानी का कि समस्या का समाधान कैसे करना है। तो आप कहानी समझ गए होंगे। अब उसके अनुसार प्रश्न पूछा गया है, हाउ डिड द बॉइलिंग इफेक्ट द कैरट एंड एग्स, मतलब उबालने के बाद गाजर और अंडे में क्या परिवर्तन हुआ। तो सिंपल सा कहानी में है कि गाजर जो है कठोर था वो नर्म हो गया, सॉफ्ट हो गया, और अंडे जो नर्म थे वो हार्ड हो गए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 62वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द डॉटर्स नेचर। नेचर कैसा था, वो ऑलवेज कंप्लेनिंग, हमेशा शिकायत करती थी। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ डिड द कॉफी बीन्स रिएक्ट आफ्टर बींग बॉइल्ड, तो वो क्या है, पानी में घुल गया और स्वीट स्मेल दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो माता कैसी थी, तो माता जो है बहुत समझदार थी, द मदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, चेंज बेड टाइम इंटू गुड टाइम, अपने बुरे समय को आप कैसे अच्छे समय में परिवर्तन कर सकते हो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। व्हाट डिड द मदर डू विथ द कैरट एग्स एंड कॉफी बीन्स, तो उन्होंने अलग अलग बर्तनों में उसे उबाला। तो सी बॉइल्ड ईच सेपरेटली, मतलब सबको अलग अलग बर्तनों में उबाले, ठीक है। काफ़ी आसान सा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डिड द मदर वांट हर डॉटर टू बिकम लाइक, उनकी माता क्या चाहती है कि उनकी बच्चे कैसे बने, तो वो कॉफ़ी की तरह घुल जाए और सुगंध दे। तो ऑप्शन सी, द मदर वांटेड हर डॉटर टू बिकम लाइक कॉफ़ी बीन्स, मतलब कॉफ़ी के बीज के समान बने। ये तो कहानी में मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद एक और, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर, इसमें एक कहानी बताया गया है जो अभी वर्तमान परिस्थिति को दर्शाया गया है कि कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन कैसे लगा, इसके बारे में यहाँ पर कहानी बताया गया है। तो चलिए अब उस कहानी को पढ़ने के बाद हम प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड कम इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें कौन सा आएगा, तो ही लेट हिज फिंगर स्किम खालिस्तान द बैक ऑफ द पेट, तो इसमें होगा ऑफ, ऑफ मतलब बंद कर दिया, कैसे उन्होंने अपने पंजों में जकड़ा या पंजों में बंद कर दिया, तो ऑफ यहाँ पर सूटेबल है। उसके बाद अगला प्रश्न है, द पैसेज इज अबाउट द फॉलोइंग, तो इसका जो आंसर है आप अपने मन से चुन सकते हैं। यहाँ पर जो संभावित आंसर हो सकते हैं वो डी हो सकता है, लेकिन व्यापम जो है अपना आंसर क्या लेता है वो तो देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी बातों को कहा गया है। तो आप भी अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये व्यापम के ऊपर निर्भर करता है कि वे जो है कौन सा आंसर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70वां प्रश्न, द स्कैंट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस हियर स्कैंट इज यूज एज एन, यहाँ पर जो स्कैंट है उसका मतलब होता है अल्प, और अल्प का प्रयोग हम परिणामवाचक क्रिया विशेषण में करते हैं, तो इसका जवाब होगा एडवर्ब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द वर्ड इज नॉट सेनोनिम्स टू द वर्ड
ग्रैपल विथ मतलब थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारना का मतलब होता है ए बी सी, लेकिन डी का मतलब होता है ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, तो ये जो है सिनोनिम्स नहीं है ग्रेपल विद का, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द पैसेज, तो इसमें पैसेज को आपने पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा व्हाट डिड द वायरस लुक लाइक, मतलब अलग अलग जगह में है ना, तो गैप सेम है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द वर्ड पैराडॉक्स मीन, पैराडॉक्स मीन का होता है स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। लॉकडाउन हैज़ मेड अस थिंक एबो सेंटेंस इज रिटन इन, इसका सही जवाब होगा पेसी वाइज, करेक्शन कर लीजिएगा ऑप्शन बी पेसी वाइज, टिक ए में लग गया है सही जवाब जबकि बी पेसी वाइज है। वन वर्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरस इज, ये कोरोना वायरस बहुत सारे कोरोना वायरस है आपने सुना भी होगा, इसमें क्या है कोरोना जो है एक प्रकार का वेरिएंट है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर कैटेगराइज अंडर टू ब्रॉड हेड्स कॉल्ड रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अ टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट, द टीचर इज ट्राइंग इम्प्रूव द स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स, यहाँ पर बच्चे को लिखाने का प्रयास किया जा रहा है, बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन एन मैनुअल, व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल्स नोन एज अ स्कीमिंग कहते हैं, वो स्कीम कर रहा है, फास्ट पढ़ रहा है मतलब क्या कर रहा है, स्कीम कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी फिफ्थ वर्ड एंड आस्क हर लर्नर्स टू सप्लाइज द मिसिंग वर्ड, व्हाट इज द टेस्ट नोन एज, इसमें होता है क्लोज टेस्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ये प्रश्न जो है पिछले बार भी पूछा गया था। व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पी 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 मॉडल ऑफ टीचिंग, तो इसमें होता है प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस और प्रोडक्शन, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स ये सभी क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, ऑप्शन सी। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ, इसका सही जवाब होगा द टीचर इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इन स्टूडेंट राइटिंग स्किल्स, यहाँ पर भी लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने का काम को इम्प्रूव किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड्स, मतलब किसे हम नहीं देख सकते, तो रेडियो को हम सुन सकते हैं देख नहीं सकते, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षा का बेस क्या है, तो इसमें है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद, आफ्टर रीडिंग अ पोयम अ टीचर इन्वॉल्व द लर्नर्स इन अ ग्रुप वर्क, वन ग्रुप राइट द थीम ऑफ द पोयम, अनदर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ डिपिक्ट द मेन कैरेक्टर एंड येट अनदर राइट्स द समरी ऑफ द पोयम दिस एक्टिविटी, इसमें शिक्षक चाहता है कि बालक अपने विभिन्न एबिलिटी और रुचि के साथ सीखे, caters to diverse abilities and interests of the learners, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, what skills among the ones given below that cannot be tested in a formal writing examination, तो इसमें होगा extensive reading for pleasure, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, what does fluency in reading means, ability to read a text at ईजी विथ एक्सप्रेशन, मतलब सीधे तौर पे आपको पढ़ना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। विच ऑफ द सेंटेंस इज नॉट ट्रू, चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल, तो इसका जो आंसर होगा भाषाई कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी। 89 जिसमें पूछा गया है द सिग्निफाइज ब्लैंक एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें आएगा सोशल एक्सपेक्ट ऑफ लैंग्वेज। और आज का अंतिम प्रश्न
है द चाइल्ड इज नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेनली बिकॉज ऑफ, इसका आंसर मैंने डी लिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है 90 वाला। देखते हैं ओरिजिनल इसका मॉडल आंसर आएगा तो इसमें क्या जवाब लिया जाता है। तो ये था दोस्तों इंग्लिश का संभावित उत्तर। आप लोग मैच कीजिएगा और आपका कितना अंक आता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपका क्वालिफाइड हो रहा है कि नहीं ये भी बताइएगा।